वा अलैकुम व्यूअर्स दिस इज सिदरा प्रवीण एंड आई लव वेलकम टू माय YouTube चैनल सिदरास टेक हाउस सो स्टूडेंट्स टुडे दी टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी डेटा स्ट्रक्चर की एक सीरीज चल रही है और इससे प्रीवियस हमने एरे डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस किया क्योंकि Uh, जब हमने एरे uh, जब हमने डेटा स्ट्रक्चर को डिवाइड किया था तो उसकी दो कैटेगरीज बनी थी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था उसमें हमारे पास एरे भी था लिंक्ड लिस्ट स्टैक एंड क्यू ये सारे क्या थे ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे जबकि ग्राफ एंड ट्री वाज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर राइट तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिंक्ड लिस्ट तो हम इसको पहले डिफाइन कर रहे थे आ लिंक्ड लिस्ट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ़ कनेक्टेड नोड्स। अब जो हमारे पास लिंक्ड लिस्ट है वो क्या है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो के इंक्लूड होती है किस चीज़ पर सीरीज ऑफ़ कनेक्टेड नोड्स। अब इसमें क्या होते हैं नोड्स होते हैं जैसे हम आ, अगर हम एरे की बात करें तो एरे में हम क्या लेते थे एलिमेंट लेते थे लेकिन यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं नोड ले रहे हैं अब जो हर नोड है ना जैसे यहाँ पर यह नोड बना हुआ है राइट अब इस नोड के ना दो पार्ट होते हैं एक होता है हमारे पास डेटा पार्ट और दूसरा होता है हमारे पास लिंक पार्ट डेटा मीन्स वर्ट डेटा मीन्स एलिमेंट जैसे कोई भी एलिमेंट हम ले लें टेन ले लें ट्वेंटी ले, कोई भी ले लें राइट right? और जो लिंक पार्ट है ना वो एक्चुअल में क्या करता है अपने से नेक्स्ट नोड का ना एड्रेस बताता है राइट right? अब हमारे पास अगर हम बात करें एरे की तो मेन डिफरेंस जो एरे और लिंक्ड लिस्ट में है वो ये है कि जो एरे था ना वो हमारे पास स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर था जो एरे था वो क्या था एरे हमारे पास स्टैटिक था मतलब इसका साइज स्टैटिक था जबकि जो हमारे पास लिंक्ड लिस्ट है ना, इसका क्या होता है इसका साइज जो है ना वो हमारे पास डायनेमिक होता है। मींस एरे का साइज हम कहते हैं स्टैटिक साइज होता है स्टैटिक साइज मतलब ये के जैसे हम एरे को एरे का साइज डिफाइन कर देते थे कि इंट ए फाइव या फिर इंट ए सिक्स तो इसका क्या मतलब होता था कि इसमें ना हमारे पास फाइव एलिमेंट्स ही आ सकते थे कि अगर हमें रन टाइम लेट्स सपोज हमने लिखा कि इंट ए फाइव हमने एरे का साइज डिफाइन कर दिया कि फाइव तो इट मीन्स इसमें फ़ाइव एलिमेंट्स ही आ सकते हैं अगर हमें रन टाइम पे कोई एक दो और एलिमेंट चाहिए तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये एरर क्रिएट करेगा ये क्या है ये एक स्टैटिक साइज़ uh, का डेटा स्ट्रक्चर है मतलब इसका साइज़ जब हम डिफाइन कर देते हैं तो रन टाइम पर हम उससे ज़्यादा एलिमेंट को यूज़ नहीं कर सकते लेकिन जो हमारे पास लिंक्ड लिस्ट है वो क्या है वो एक डायनेमिक साइज डेटा स्ट्रक्चर है मतलब इसमें हमें जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट चाहिए होते हैं वो हम रन टाइम पे यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक एलिमेंट चाहिए तो मैं एक नोड लूँगी इसी तरह अगर मुझे दो एलिमेंट चाहिए तो मैं दो नोड लूँगी मतलब जितने मुझे नंबर ऑफ़ एलिमेंट चाहिए होंगे मैं उतने ही एलिमेंट लूँगी लेकिन यहाँ पर इसका प्रॉब्लम क्या आ जाता है ये थोड़ी ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है क्यों क्योंकि जब अगर हम एरे की बात करें तो जब हम एरे में इसका साइज़ डिफाइन करते थे तो यहाँ पर अगर लेट्स सपोज हमारे पास चार एलिमेंट होते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ चार ही बक्सेज लेते थे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होती थी लेकिन अगर हम बात करें लिंक्ड लिस्ट की तो इसमें स्पेस ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है क्यों क्योंकि एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए हम दो बॉक्सिस ले रहे हैं मतलब ये कि एक एलिमेंट स्टोर हो रहा है और दूसरे में एड्रेस स्टोर हो रहा है तो यहाँ पर मेमोरी जो है ज़्यादा कंज्यूम हो रही है राइट right? तो ये डिफरेंस है एरे और लिंक्ड लिस्ट में अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो हमारे पास लिंक्ड लिस्ट है उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम इसमें एलिमेंट्स क्या लेते हैं नोड्स uh, की फॉर्म में मतलब यहां पर मैंने एक नोड बनाया उसके बाद यहाँ पर element, uh, एक नोड बनाया और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक नोड बनाया राइट right? अब नोड का जो पहला पार्ट है वो क्या होता है वो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ सिक्स सेवन एट राइट यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स ले लिए उसके बाद ना, हमारे पास क्या होता है हर एलिमेंट का हर नोड का एक एड्रेस होता है फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो एड्रेस है ना, वो वन हंड्रेड है राइट right? इसका जो एड्रेस है ये हमारे पास टू हंड्रेड है उसके बाद इसका जो एड्रेस है वो थ्री हंड्रेड है तो अब ये जो हमारे पास लिंक पार्ट है ना वो क्या करेगा वो इसका एड्रेस जो कि टू हंड्रेड है वो यहाँ पर स्टोर करेगा और ये इससे लिंक हो जाएगा मतलब पहले हम इसका एलिमेंट चेक करेंगे सिक्स ये इसका डेटा पार्ट चेक करेंगे लिंक पार्ट चेक करेंगे टू हंड्रेड टू हंड्रेड पे जाएंगे टू हंड्रेड पे क्या पड़ा है सेवन उसके बाद सेवन का ये जो लिंक पार्ट है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा मतलब इसका थर्ड एलिमेंट का जो हमारे पास एड्रेस है वो इसके लिंक पार्ट में आ जाएगा यहाँ पर थ्री हंड्रेड आ जाएगा अब क्योंकि इससे अगला कोई और एलिमेंट नहीं है तो इस एलिमेंट को हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे नल से रिप्रेजेंट करेंगे अब हमें यह बता रहा है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारी लिंक लिस्ट जो है वो एंड हो रही है लेकिन अगर आप नोट करें तो इस फर्स्ट एलिमेंट से भी तो स्टार्ट में कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं यहाँ पर हम एक पॉइंटर यूज़ करते हैं जिसे हम हेड का नाम देते हैं जो कि हमें ये बताता है कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है राइट right? हमारा जो हेड पॉइंट है वो हमें यह बता रहा है यहाँ से स्टार्ट हो रही है फर्स्ट एलिमेंट हमारा सिक्स है उसके बाद हम इसके लिंक पार्ट में गए वहाँ पर क्या एड्रेस लिखा हुआ था टू हंड्रेड लिखा हुआ था टू हंड्रेड पर हम गए वहाँ पर सेवन लिखा हुआ था सेवन के हमने लिंक पार्ट में देखा थ्री हंड्रेड है थ्री हंड्रेड पर कौन सा एलिमेंट है स्टोर पड़ा है यहाँ पर ये एट पड़ा है राइट right? उसके बाद ना हमारे पास एक लिंक्ड लिस्ट का फायदा होता है कि इसमें इंसर्शन एंड डिलीशन जो है ना वो ईजी होती है वो कैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैंने ना ये सिक्स और सेवन के बिटवीन कोई एलिमेंट ऐड करना है तो मैं क्या करूँगी सिंपली इस एलिमेंट का इससे लिंक तोड़ दूँगी और इस एलिमेंट के आगे वो एलिमेंट इंसर्ट करके उसका लिंक इससे जोड़ दूंगी फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला नोड हो गया ये दूसरा नोड हो गया ये तीसरा नोड हो गया और जहाँ पर हम एक एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं राइट right? अब यहाँ पर हमारे पास क्या था? सेवन, एट यहाँ पर लेट्स सपोज मुझे नाइन को इंसर्ट करना है तो अब इसका क्या करती हूँ इसका एड्रेस वन हंड्रेड रहेगा इसका टू हंड्रेड इसका थ्री हंड्रेड और इसका फोर हंड्रेड राइट अब यहाँ पर मैंने पहले क्या किया हुआ था इस एलिमेंट का जो सेवन है इसका एड्रेस टू हंड्रेड इसके लिंक पार्ट में स्टोर किया हुआ था लेकिन अब मैंने कहा है कि मैंने नाइन को जो एलिमेंट हमारे पास नाइन है उसको स्टोर करवाना है इंसर्ट करवाना है बिटवीन सिक्स एंड सेवन तो मैं क्या कर दूँगी अब मैं इन दोनों का लिंक ब्रेक कर दूंगी मैं काम करूंगी इसके लिंक पार्ट में फोर हंड्रेड पर रख दूँगी राइट right? अब ये इसका लिंक इससे जुड़ जाएगा उसके बाद जो है मैं क्या करूँगी ये नाइन आ जाएगा नाइन के लिंक पार्ट में ना मैं सेवन का एड्रेस दे दूँगी ये इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा और उसके बाद मैं इसको जोड़ दूँगी यहाँ पर हमारे पास थ्री हंड्रेड आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास नाल आ जाएगा राइट right? अब देखें यहाँ पर अगर हम इसको ट्रावर्स करें सिक्स ये एड्रेस किसका दे रहा है फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड में हम गए नाइन ठीक है ये एड्रेस दे रहा है किसका सेवन का सेवन किसका एड्रेस दे रहा है थ्री हंड्रेड का और थ्री हंड्रेड पर हम गए तो एट यह हमारे पास एलिमेंट जो है इंसर्ट हो गया है। अब इसके बाद इंसर्शन के बाद है हमारे पास डिलीशन डिलीशन फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये एलिमेंट जो है यहाँ से रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगी सिंपली थ्री नोड्स बनाऊंगी वन टू एंड थ्री राइट तो मैं यहाँ पर सिक्स लिखूँगी उसके बाद हमने सेवन को डिलीट करना है यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी एट लिखूँगी और उसके बाद यहाँ पर नाइन तो अब यहाँ पर सिक्स के बाद क्या आ रहा था नाइन आ रहा था तो यहाँ पर जो इसका एड्रेस है ये इसका वन हंड्रेड रहेगा इसका फोर हंड्रेड रहेगा और इसका हमारे पास वही थ्री हंड्रेड ही, ही रहेगा राइट right? तो अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर ये पहले रिप्रेजेंट कर रहा है फोर हंड्रेड को तो यहां पर हम क्या करेंगे फोर हंड्रेड को अब जब हम हमारे पास इसको डिलीट करना है हमने सॉरी यहां पर नाइन लिखना था और उसके बाद यहां पर एट लिखना था राइट right? अच्छा उसके बाद यहां पर ये यह सिक्स आ गया ये फोर हंड्रेड लिंक दे रहा है किसका नाइन का फोर हंड्रेड अब किसका पहले लिंक दे रहा था टू हंड्रेड का लेकिन हमने टू हंड्रेड वाला एलिमेंट रेस करना है तो टू हंड्रेड किस लिंक का लिंक दे रहा था थ्री हंड्रेड का तो हम इसमें क्या करेंगे यहाँ पर थ्री हंड्रेड लिंक देंगे ये इसका एड्रेस देगा और उसके बाद इसको हम क्या कर देंगे नल कर देंगे राइट तो इस तरह हमारी लिंक जो लिंक uh, लिस्ट जो है वो कनेक्ट हो जाएगी और ये एलिमेंट जो है डिलीट हो जाएगा राइट तो इसी वजह से हमने कहा कि जो इंसर्शन और डिलीशन है वो लिंक लिस्ट में इजी है लेकिन अगर हम एरे की एग्ज़ाम्पल लें फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर हमारे पास एरे है वन टू थ्री फोर एंड फाइव राइट यहाँ पर हमारे पास है वन टू थ्री फोर फा राइट यहाँ पर हमारे पास एरे का साइज़ था इंट ए फाइव ठीक है और इसमें चार नंबर ऑफ एलिमेंट पड़े हैं और हमें कहा जाता है कि आप ना फर्स्ट में एक कोई एलिमेंट इंसर्ट करें राइट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने इंसर्ट करना हो इसमें फाइव फाइव को स्टार्ट में करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा वन को पहले टू की लोकेशन पे लेके जाना पड़ेगा टू को थ्री की लोकेशन पे, थ्री को फोर की लोकेशन पे, फोर को फाइव की लोकेशन पे तो फिर ही हम क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रही है यहाँ पर हमें इतने एलिमेंट्स को आगे मूव करना पड़ रहा है तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ जाएगी ऑब्वियसली तो यहाँ पर फाइव आ जाएगा वन टू थ्री एंड फोर तो इस तरह एलिमेंट हमारा इंसर्ट हो जाएगा लेकिन एरे में हम सिंपली क्या करते हैं हम लिंक को ब्रेक कर देते हैं उस एलिमेंट को रिमूव करके और उससे जो अगला एलिमेंट होता है उसका एड्रेस दे देते हैं तो स्टूडेंट ये था हमारे पास लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्रास्ट टेक हाउस लाइक एंड शेयर माय वीडियोस थैंक यू सो मच एंड अनलाफिज बाय बाय